नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है और रोज कुछ नई गतिविधियां हो रही हैं। हर पार्टी जी तोड़ कोशिश कर रही है कि ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए जो जिताऊ उम्मीदवार हों और जो इस बार उनको सत्ता में लाने में जो है पूरी तरह से सक्षम हो। अभी अभी आज राजनीति में एक और बड़ा फेरबदल हुआ। पिछले कुछ दिनों से ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट का राजनीति में आने का जो चर्चा था वो बहुत जोरों पे था। खासकर राजनीतिक गलियारों में बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि विनेश फोगाट किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और आज ये जो क्यास लगाए जा रहे थे उन पर विराम लग गया, क्योंकि आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कुश्ती के खिलाड़ी हैं, उन दोनों ने आज कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली। आज कांग्रेस पार्टी में वो लोग शामिल हो गए हैं और उन्होंने जो मौजूदा वो नौकरी करते थे उस नौकरी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से अब जो अपना करियर है वो राजनीति में बनाने के लिए उतर गए हैं। सो दोस्तों, इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए कि आने वाला भविष्य उनका कैसा होगा या उनके राजनीति में आने से जो कांग्रेस पार्टी है उसको क्या फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, इस सब पर चर्चा करने के लिए राजनीति के जानकार सतीश मेहरा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं राजनीति के जानकार सतीश मेहरा जी। उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि इन खिलाड़ियों पर दाव खेलना इन पार्टियों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा और इससे हरियाणा की राजनीति में क्या फिर बदल होगा। मेरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। सर, आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराना उनका और इस विधानसभा चुनाव में क्या वो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, उनको टिकट मिल सकते हैं? अगर टिकट मिल सकते हैं तो ये कांग्रेस के लिए कितना कारगर सिद्ध होगा? देखिए राजेंद्र जी, हमने विनेश फोगाट के बारे में पहले भी एक सप्ताह पहले हमने चर्चा की थी जी, और उसमें ये बताया था, हमारी चर्चा में ये आया था निकल के कि कांग्रेस पार्टी बहुत विनेश फोगाट को कांग्रेस में ज्वाइन करवाने के लिए बहुत नज़दीक जा चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर विनेश फोगाट का साथ भी दिया, साथ दिया। पीछे जो 2023 में उन्होंने आंदोलन किया आंदोलन में दिल्ली में जी अपने जो WFIE के चेयरमैन उनके खिलाफ जो उनकी गतिविधियों के खिलाफ जो आंदोलन किया था उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं कहीं उनके साथ खड़ी रही थी। तो इसको देखते हुए उन्होंने, मुझे लगता है ग्राउंड तैयार हो गया था तब से। और आज विनेश फोगाट ने भी कहा है अपने जो संबोधन है, अपने जो प्रेस वालों से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि जब हमने आंदोलन किया पूरे वक्त में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां हमारे साथ रही और उसी से हमने प्रेरित होकर राजनीति में आने का जो है ना निर्णय किया है। तो ये आज रेसलिंग से राजनीति की तक जो दौर एक दूसरी पारी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने शुरू की है जी, तो मुझे लगता है उससे कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा फायदा होने वाला है, क्योंकि दोनों ही जो पहलवान है यूथ आइकॉन है। और बजरंग पुनिया की हम बात करें तो पिछले जो ओलंपिक टोक्यो में हुए थे उन्होंने मेडल, उन्होंने सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था जी। और इसके साथ साथ जब हम विनेश की बात करते हैं तो विनेश तो एशियाड खेलों की और राष्ट्रमंडल खेलों की एक पहली ऐसी महिला रेसलर थी जो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और अभी भी जो ओलंपिक से बड़ी चर्चा में पेरिस में जो ओलंपिक में उन्होंने जी फाइनल तक पहुंचने का जो दौर था वो पूरा किया लेकिन फाइनल में नहीं पहुंच पाई, सो ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उस डिस्क्वालीफाई होने के मामले में भी विनेश को जो लोकप्रियता मिली, जो सिंपैथी मिली है, लोगों का साथ बहुत मिला है इस सब चीज़ों में, उसका मुझे लगता है अब राजनीति में भी विनेश को फायदा मिलेगा। मेरा साहब, पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जो था बबीता फोगाट पे और योगेश्वर दत्त पे एक भरोसा जताया था, चरखी दादरी से उनको बबीता को चुनाव लड़ाया था और उसके खिलाफ जो था, देखिए एक जो आज़ाद उम्मीदवार था वो जीत गया।
मतलब तीन खिलाड़ियों पे उन्होंने दाव खेला था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें बबीता फोगाट, जोगेश्वर दत्त और हॉकी के खिलाड़ी संदीप सिंह जो पेहोवा से इलेक्शन, उन दोनों मतलब वो जो हॉकी के खिलाड़ी थे संदीप सिंह वो पेहोवा से चुनाव जीत गए थे और मनोहर सिंह सरकार में वो खेल मंत्री भी रहे। दूसरी तरफ ये दोनों जो पहलवान खिलाड़ी थे दोनों ही जो है बुरी तरह से हार गए थे। तो ये बताइए कि जब वो दोनों खिलाड़ी पहले कामयाब नहीं हुए तो कांग्रेस ने क्या सोचकर फिर से इन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है, क्या इनको वो टिकट देंगे, अगर वो टिकट देंगे तो किस तरह के समीकरण बैठ पाएंगे? देखिए राजेंद्र जी, खिलाड़ी जीत पाए हो या न जीत पाए हो, और खिलाड़ियों ने समय समय पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में ज्वाइन करके एंट्री करके राजनीति की है। बहुत से खिलाड़ी शिखर पर भी पहुंचे हैं और बहुत से खिलाड़ी आपने जैसे कहा कि विधानसभा चुनाव हो या दूसरे जो लोग राजनीतिक पार्टियों की कोशिश होती है कि लोकप्रिय जो चाहे वो अभिनेता है चाहे खिलाड़ी है जो भी जो लोगों का प्रिय है जहाँ जिसका लोग जुड़े हैं जिसका जनमत जुड़ा है उसको वो टिकट देते हैं। जो स्टार खिलाड़ी रहे और जो फेमस हो तो उनका फायदा अलग अलग पार्टियां उठाती रही है। हम राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात करें जी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव लड़वाया, मंत्री बनाया, और चाहे हम दूसरे जो खिलाड़ी हैं नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव का जो उम्मीदवार उनको गौतम गंभीर को बनाया था और गौतम गंभीर सांसद भी चुने गए थे, और इसी तरह से हम बात करते हैं विजेंदर सिंह जो बॉक्सर रहे हरियाणा के बॉक्सर हैं, उन्होंने पीछे कांग्रेस से चुनाव लड़ा लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी में है। इसके साथ साथ जो कीर्ति आजाद है, चेतन शर्मा है, कई सारे खिलाड़ियों में बात करें तो राजनीति में अपना भाग्य आजमा चुके हैं, कईयों ने अच्छा जो रोल प्ले किया है और कई आगे तक गए हैं, केंद्रीय मंत्री तक बने हैं, लेकिन कई खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाए। हरियाणा की जब आपने बात की है तो हरियाणा में संदीप सिंह ने और योगेश्वर दत्त ने और बबीता फोगाट ने पीछे चुनाव लड़ा था, हालांकि संदीप सिंह के अलावा दोनों खिलाड़ी चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को एक यूथ आइकॉन थे ये भी, सारे के सारे खिलाड़ी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को युवाओं से जुड़ने का और जो खिलाड़ियों से जुड़ने का एक फायदा मिला था, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने आगे खिलाड़ियों को बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन इस चुनाव मेरे साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा हुआ कि यूथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, मैं बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त की बात करता हूं, अपनी हार को भुलाकर पिछले पूरे 5 साल इन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया, लोगों से कनेक्ट रहे, बड़ा कुछ किया, इसके बावजूद पहली लिस्ट में इन लोगों का नाम नहीं है, जहां पर ये क्यास लगाए जा रहे हैं, यहां पर ये सोचा जा रहा है कि शायद इस बार इनको टिकट ही ना मिले। तो क्या लगता है कि पार्टी इनको टिकट देगी, इन पे दोबारा दौर खेलेगी या नहीं खेलेगी? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बहुत से ऐसे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में अपनी रणनीति को बदला है जी, और जहां तक हम बात करें टिकट देने की और ना देने की, टिकट भारतीय जनता पार्टी इनको दे भी सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलने का जो वो किया है, एक एक वो जो ट्रेंड किया शुरू किया है, वो मुझे लगता है इन खिलाड़ियों को आजमाएंगे, रास आ सकता है। योगेश्वर दत्त की हम बात करें, पहले गोहाना से चुनाव लड़ा था, आप किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको चुनाव उनको चुनाव लड़वा सकते हैं। बबीता फोगाट ने जैसे दादरी से पहले चुनाव लड़ा है, पहले अब किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी उनको चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि अभी 37 से है ना जो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषणा होनी बाकी है। इसी प्रकार से जैसे चौधरी रणजीत सिंह की हम बात करें, हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके सामने एक ऑफर आया था, वो रानिया से विधायक रहे और रानिया से अपनी राजनीति करते रहे। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑफर रखा था कि आप डबवाली से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो इसीलिए जो पुराने विधायक रहे हैं उनका जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलने का जो एक्सपेरिमेंट मतलब कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एक्सपेरिमेंट ही रणनीति है ताकि जो पुराने विधायक रहे उनके उनको एंटी इनकंबेंसी का सामना ना करना पड़े। अब चलो मैं आपकी बातों से सहमत हूँ,
विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। सबसे पहला मैं आपको दो सवाल इकट्ठे करूंगा, मुझे मैं चाहूंगा कि दोनों सवालों के आप वन बाय वन जवाब दे दें। सबसे पहला तो क्या जो कांग्रेस पार्टी है दोनों उम्मीदवारों को अपना टिकट दे सकती है? दूसरा, अगर वो टिकट देती है तो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी इनके लिए हो सकती है? राजेंद्र जी, टिकट की बात तो टिकट का निर्णय तो जो सूची आती है तभी हो पाएगा, लेकिन आज ज्वाइन किया दोनों जो पहलवान थे, उन्होंने पहले अपने जो रेलवे में सर्विस करते नौकरी करते थे उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दिया। उसके बाद वो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर गए और बड़ा खड़गे जी ने उनका बड़ा स्वागत किया है और अच्छी तरह मिले और उनके साथ फिर उसके बाद जो ज्वाइनिंग का जो प्रोग्राम है उनका कांग्रेस मुख्यालय में होता है जी जी, जहाँ जहाँ कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल थे और कांग्रेस प्रेसिडेंट हरियाणा जी थे और उदयवान जी थे और दीपक बाबरिया जो हरियाणा के प्रभारी हैं वो थे जी, एक कांग्रेस सचिव विनीत पुनिया थे, उनके सब की मौजूदगी में उन्होंने जो आज ज्वाइनिंग की है और बड़े उत्साहित थे दोनों ही जो पहलवान थे, बड़े उत्साहित और बड़े एक अपने आप में जोश में थे, जोश में लग रहे थे कि मुझे लगता है उनको लगता था कि दोनों को टिकट मिली, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी दोनों खिलाफ जो रेसलर हैं उनमें से एक को टिकट देगी। ओके, और विनेश फोगाट को उम्मीदवार कांग्रेस, हाँ, उसकी जो आज की लोकप्रियता उसको बनाने की कुछ जरूर की जाएगी क्योंकि महिलाओं की आइकॉनिक है, महिलाओं का फायदा होगा, महिलाओं के वोट बैंक का फायदा होगा, यूथ के लिए फायदा होगा और जो खिलाड़ी हैं जो खेल जगत से जुड़े हुए युवा हैं उनका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मैं आपके साथ कहीं ना कहीं सहमत हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो महिलाओं को लगभग जो पिछली लिस्ट आई है 8 के करीब महिलाओं को टिकट दिया है, तो महिलाओं पे दाव कांग्रेस पार्टी भी डेफिनेटली खेलेगी। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, विनेश फोगाट की शादी जींद में बख्तागेड़ा गांव है जी, जींद में बख्तागेड़ा गांव में हुई थी और उनके जो पति हैं वो भी सोमवीर राठी पहलवान हैं और अपनी शादी में उन्होंने, विनेश फोगाट ने अपनी शादी में 8 फेरे लिए थे और 8वां फेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से लिया था। अच्छा, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है जी, 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 उस जी, नारे जी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 8वां फेरा लिया था। हालांकि वो कांग्रेस से राजनीति उन्होंने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी की भी वो रही है कि समर्थक रही हैं। शायद कहीं ना कहीं जो पिछला आंदोलन था जो पहलवानों का वो प्रेरित कर गया इनको भारतीय जनता पार्टी की बजाय किसी दूसरी पार्टी में आना, कांग्रेस में या दूसरी पार्टी में, शायद वो आंदोलन कहीं ना कहीं कारण बनता है इस चीज का। हाँ, आज उन्होंने कुछ अपना जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उन्होंने अपना कुछ जो दर्द था वो भी बयां किया है कि 2023 में जो हमने दिल्ली में आंदोलन किया था उस आंदोलन में हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों ने हमारा साथ दिया था और हमें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी और पार्टी को प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम भी जनसेवा में इस क्षेत्र में आगे आए, उन्होंने माना भी, कहा भी आज। क्या दोस्तों, आज फिर से हरियाणा में दो बड़े खिलाड़ियों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और उम्मीद की जा रही है कि उन दोनों को ही शायद विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिल जाए और आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है। कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होगी ये तो समय ही बताएगा। तब तक आप देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।